हैप्पी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन मानस भवन के पास दमोह। शुभारंभ वैवाहिक सामग्री की सभी रेंज जय कुमार अजित कुमार जैन कचोरा शॉपिंग सेंटर के सामने दमोह। नमस्कार, तूफान टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन घीवाला। आइए देखते हैं समाचार फटाफट अंदाज में। दमोह जिले में आए कोविड 19 के सभी पेशेंट लगातार ठीक हो रहे हैं। आज दमोह में दो और पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया। दोनों पेशेंटों को डिस्चार्ज करते समय अस्पताल के कोरोना योद्धाओं ने उनका ताली बजाकर स्वागत किया, साथ ही उनको एम्बुलेंस में बैठाकर उनके घर की ओर रवाना किया गया। मड़ियादा थाना अंतर्गत हुई एक हत्याकांड के मामले में पुलिस ने खुलासा कर लिया है। खुलासे के बाद एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। संदेह के आधार पर पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो उसकी माँ से उस मृतक युवक के संबंध होने पाए गए, जिस कारण से यह हत्या अंजाम दी गई। तेजगढ़ थाना अंतर्गत आने वाली इमलिया चौकी में पुलिस ने एक कार में लेकर जाई जा रही अवैध शराब को जब्त किया है। इस अवैध शराब की कीमत हजारों रुपए बताई जा रही है। जबेरा थाना अंतर्गत आने वाली सिग्रामपुर चौकी के अंतर्गत एक कमांडर जीप पेड़ से टकरा गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह जीप लोगों को परिवहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती थी, उसी दौरान यह हादसा हो गया। बेलाताल के समीप की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, वहीं एक बार फिर इस सड़क के निर्माण का दौर शुरू हो गया है। इसको लेकर के यहां पर बैरिकेड्स लगाए जाने के बाद भी लोगों का आवागमन जारी रहा, जिससे जाम के हालात निर्मित रहे। सर्पदंश से एक मासूम की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। तेजगढ़ थाना अंतर्गत इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई की है। मासूम की मौत हो जाने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। वहीं बारिश के दिनों में इस तरह के मामले अब लगातार सामने आते रहे हैं। एकता परिषद के द्वारा श्रमदान करके बधान किया गया। इस बधान कार्यक्रम के दौरान एकता परिषद के से जुड़े समस्त लोग उपस्थित रहे, साथ ही उन्होंने श्रमदान करते हुए बधान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्य बीते कुछ दिनों से जारी है। शासन के द्वारा बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इसी को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों को वस्तुओं का वितरण किया गया, साथ ही बच्चों को बाल श्रम नहीं कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए। शासन द्वारा निर्धारित किए गए जुर्माने की राशि को कचोरा शॉपिंग सेंटर में तहसीलदार बबीता राठौर ने पहुंचकर वसूला, क्योंकि लोग बिना मास्क के ही बाजार में घूम रहे थे। बिना मास्क घूमे जाने के कारण उन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। शासन के द्वारा टीकाकरण को तेज गति दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। टीकाकरण के माध्यम से बच्चों की जान का जोखिम कम किया जाता है। इसी को लेकर के अब खंड स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को टीकाकरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बेलाताल में अब पानी कम हो गया है। बारिश के इंतजार में अब तालाब में पानी सूख गया है और पानी किनारों पर पहुंच गया है, जिससे अब गंदगी दिखाई देने लगी है। बेलाताल टापू समूह पर मंदिरों के आसपास अब पानी कम हो चला है। ऐसे में अब पानी बरसने की उम्मीद जताई जा रही है। दमोह का एक तालाब क्रिकेट का मैदान नजर आता है। दरअसल दीवान जी की तलैया के नाम से मशहूर यह तालाब इन दिनों चोई के कारण पूरी तरह से हरा मैदान नजर आ रहा है और यहां पर पक्षियों की अठखेलियां देखने को मिल रही हैं। भगवान जागेश्वर नाथ धाम में भगवान का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक में अब लोग यहां पर पहुंचकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान भगवान विविध स्वरूपों में भी नजर आ रहे हैं।